नमस्कार और आप देख रहे हैं WWE न्यूज़ हिंदी YouTube चैनल। तो गाइज, इस वीडियो में हमारे पास हैं कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स, जहां पर हम बात करने वाले हैं स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर एडम पियर्स ने ब्रोक लेसनर के द्वारा उन पर हुए हमले के बारे में क्या कुछ कहा। साथ ही बात करेंगे ब्रे वाइट को लेकर, क्योंकि इस वक्त ब्रे वाइट की वापसी को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स सामने आ रही हैं। तो वीडियो होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग, इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो पहले बात कर लेते हैं ब्रोक लेसनर को लेकर। जैसे कि लास्ट वीक स्मैकडाउन में ब्रोक लेसनर ने सबको तबाही का मंजर दिखाया, जहां पर उन्होंने ब्लड लाइन के साथ साथ WWE के कैमरामैन और ऑफिशियल्स को भी अपना शिकार बनाया। यहां पर ब्रोक लेसनर पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे और उन्होंने कंपनी का नुकसान करते हुए कैमरा वगैरह भी तोड़ दिए। और इन सब के चलते स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर एडम पियर्स ने ब्रोक लेसनर को सस्पेंड करने का फैसला लिया, जिसके बाद ब्रोक लेसनर फिर से बेकाबू हो गए और उन्होंने एडम पियर्स के ऊपर भी हमला करते हुए उन्हें F5 लगा दी। हालांकि उसके बाद से ही एडम पियर्स की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया, लेकिन फाइनली अब एडम पियर्स ने ट्विटर के जरिए अपनी चुप्पी तोड़ी है, जहां पर उन्होंने ब्रोक लेसनर के द्वारा हुए हमले की फोटो साझा करते हुए लिखा कि अनिश्चित काल के लिए निलंबित, झुको लेकिन कभी टूटो मत, कभी नहीं भूलेंगे। एक तरह से उन्होंने नेवर फॉरगेट लिखते हुए ये बताया कि अभी हिसाब बकाया है। हालांकि फिलहाल ब्रोक लेसनर सर्वाइवर सीरीज तक वापसी नहीं करेंगे। तो गाइज, अब बात कर लेते हैं ब्रे वाइट को लेकर। तो ब्रे वाइट का WWE से निकाले जाने के बाद नॉन कम्पीट क्लोज पूरा होने में अब सिर्फ 2 दिन का समय बाकी है, जिसके बाद वह किसी भी रेसलिंग प्रमोशन के साथ काम कर सकते हैं। और अब विंडम रोटुंडा यानी ब्रे वाइट ने इस बात के संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि वे जल्दी रेसलिंग की रिंग में वापसी करने वाले हैं और वह रिंग AEW की हो सकती है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस बात के संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि वे बहुत जल्द बहुत कुछ करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने अपने नॉन कम्पीट क्लोज के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा कि सिर्फ 2 दिन और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही ब्रे वाइट रेसलिंग रिंग में फिर से नजर आने वाले हैं। तो गाइज, क्या हैं आपके ख्याल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे कर दीजिएगा लाइक और शेयर। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।